वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। मलिक सिकंदर एडवोकेट का कमेटी में उस्मान बादीनी अली मर्दान डोमकी के नाम देने का ऐलान। कहा कोशिश थी कि मुत्तफिका उम्मीदवार ले आए लेकिन वज़ीर-ए-आला कुद्दूस बज़िंजो आमादा नहीं हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अपनी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। मुतालिका शोबों में अच्छी साख के हामिल अफराद को शामिल करने का फैसला। गैर जानिबदार ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के नाम ज़ेरे गौर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात। काबीना की तश्कील सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फी लीटर पेट्रोल पर 73 और डीजल पर 77 रुपए लेवी और कस्टम ड्यूटी की वसूली। पेट्रोल 17.5 और डीजल 20 रुपए फी लीटर महंगा। निगरान हुकूमत ने आते ही महंगाई के मारे आवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में तकरीबन 40-40 रुपए का हौलनाक इजाफा। घर कैसे चलाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, वालिदैन के लिए दवा कहां से लाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खौफनाक इजाफे से महंगाई के नए जानलेवा तूफान का खदशा। शहरी ट्रांसपोर्ट किरायों में मजीद इजाफे से भी खौफजदा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में भी नाकाबले बर्दाश्त इजाफे का डर। पेट्रोल के बाद डॉलर भी बेकाबू। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 4 रुपए महंगा होकर 304 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में 2.49 रुपए इजाफे से कीमत 294 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 350 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 48,139 की सतह पर आ गया। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के अहकाम मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दोनों पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म। शहरियार आफरीदी को इस्लामाबाद की हदूद में रहने और मीडिया पर बयानात न देने की हिदायत। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाप्त करेगा। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी के तफ्तीशी टीम को रिकॉर्ड बयान के अहम निकात सामने आ गए। बुशरा बीबी का घड़ी की जाली रसीदों से इजहार लातालुकी, खुद से मनसूब ऑडियोज भी जाली करार। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर तहकीकात में अहम पेशरफ। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने एफआईए की जीआईटी के रूबरू बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाईकोर्ट को परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर 21 अगस्त तक फैसला करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट 21 अगस्त तक फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का उबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने उबूरी हुक्मनामे में परवेज इलाही की जमानत मुस्तरद की थी। कराची में नालों की तौसी के दौरान मुतासरीन को मुआवजे की अदम अदायगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची भी कल तलब। इस्लामाबाद में 13 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद में मुलव्वस है मुलजिमा समरा की अदालत में पेशी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा के खिलाफ अंदलीब फातिमा पर तशद्दुद का मुकदमा थाना तरनौल में दर्ज है।